अस्सलाम वालेकुम। तो ये आज मैंने ये मेरी मेड हैं और आज मैंने इनका पार्टी मेकअप किया। काफ़ी मुश्किल था इनका मेकअप करना, आईब्रोज वगैरह बड़ी हुई थी, हेयर्स भी इनके प्रॉपर नहीं थे। तो ये फाइनल लुक देखें कैसी लग रही हैं ये, कमेंट्स में बताइए। चेंज लग रही है ना। तो आज मैंने इनका पार्टी मेकअप किया है, तो आज मैं आपसे इनकी फुल वीडियो शेयर करती हूँ पार्टी मेकअप की। ये देखें फाइनल लुक इनका। और बताइए मेकअप से पहले कैसी लग रही थी और मेकअप के बाद ये कैसी लग रही हैं, ये देखें कितना ज़बरदस्त मॉडर्न मैन। ओके, तो ये मेकअप से पहले की इनकी पिक्चर है, ये देखें वीडियो है, सॉरी। ये देखें गौर से आप देखें इनके हेयर्स, इनके आईब्रोज वगैरह, ये देखें। तो अब हम इन पर मेकअप स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ मैंने इनके फेस पर मॉइस्चराइज़र लगा दिया, प्राइमर लगाया सबसे पहले, और फिर मैंने मॉइस्चराइज़ कर दिया इनकी स्किन को। यहाँ मैं स्पंज यूज़ करती हूँ क्योंकि स्पंज से जो है वो अच्छे से। यहाँ मैंने ऑयल कंट्रोल लिया है, फेस पाउडर है ये ऑयल कंट्रोल, ये ऑयल को कंट्रोल रखता है आपके फेस पे। तो पहले मैंने प्राइमर लगाया है, फिर मॉइस्चराइज़र किया है। यहाँ मैंने ऑयल कंट्रोल फेस पाउडर ले रही हूँ मैं, और इसको मैं अच्छे से इनके फेस पर मिक्सिंग करूँगी। ब्लेंडिंग आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, जितनी अच्छी आपकी ब्लेंडिंग होगी उतना अच्छा सॉफ्ट और ग्लैम मेकअप होता है। और इसको मैं अच्छे से इनके फेस पर, ये देखें। अब मैं ले रही हूँ केस्टीन का फेस कॉन्टोरिंग किट, मैं इनके फेस को कॉन्टोर करूँगी। तो यहाँ मैंने ब्राउन शेड लिया है, डार्क ब्राउन। सबसे पहले मैं इनके चीक्स को कंट्रोल कर रही हूँ, ये देखें। इनका फेस थोड़ा सा थिक है, थोड़ा मोटा फेस है, इसको मैं पतला करूँगी। तो ये कान के पास से मोटो तक, ये देखें मैं इनके फेस को कंट्रोल कर रही हूँ। ये देखें कान से लेके लिप्स तक आपको कंटूरिंग करनी है ताकि इनका फेस लंबा लगे। अब मैं इनके आईब्रोज़ को कर रही हूँ, आईब्रो पेंसिल ले ली है मैंने, मैं आईब्रोज़ को शेप दूंगी इनकी। ये देखें बहुत बुरी आईब्रोज़ हो रही हैं, असल में बनवाती भी नहीं है इनकी एज इतनी है नहीं, तो इसलिए मैं इनके आईब्रोज़ को जो है प्रॉपर शेप कर रही हूँ। ये देखिए थोड़ी थिक करूँगी मैं इनकी आईब्रोज़ क्योंकि बहुत अनप्रॉपर हो रही है और शेप में नहीं है इनकी आईब्रोज़, और ये बनवाती भी नहीं है आईब्रोज़। ये देखें इनकी आईब्रोज़ को मैंने शेप दे दी है। अब मैं यहाँ हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ, ग्लेज़ोना का हाइलाइटर है। हाइलाइटर मैं इनके चीक्स पर अप्लाई करूँगी, कॉन्टोरिंग मैंने कर दी है, नोज़ पर हाइलाइटर अप्लाई कर रही हूँ। ये देखें अब मैं चीक्स पर इनके हाइलाइटर अप्लाई करूँगी, टी जोन एरिया पे मैं इनके हाइलाइटर अप्लाई करूँगी, फोरहेड, लिप्स के नीचे, नोज़ पे एंड चीक्स पे मैंने हाइलाइटर इनके ऐड कर दिया है। ये देखें अब मैं यहाँ पे आई शेडो किट ले रही हूँ, यहाँ मैं वाइट शेड ले रही हूँ इनके आईब्रोज़ को हाइलाइट करने के लिए। आईब्रोज़ के नीचे मैं वाइट शेड लगा रही हूँ, शिमर है, शिमर शेड है वाइट, मैं इनके आईब्रोज़ को इन्हेंस करने के लिए आईब्रोज़ के नीचे वाइट शिमर लगा रही हूँ, ये देखिए, ताकि इनकी आईब्रोज़ और प्रॉपर और इन्हेंस हो जाएं। ये देख सकते हैं आप इनकी आईब्रोज़ को मैंने हाईलाइट कर दिया। यहाँ मैं रेड कलर ले रही हूँ, रेड कलर से मैं इनकी, ये देखें इस तरह से, ये मैं आइज़ के ऊपर इनको रेड कलर लगाऊँगी, अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी रेड कलर लगा के, बिल्कुल आइज़ के ऊपर अपर कॉर्नर पे मैं रेड कलर दे रही हूँ। यहाँ मैं डार्क गोल्डन शेड ले रही हूँ, ब्राउन एंड गोल्डन मिक्स है, आइज़ के ऊपर मैं गोल्डन लगा रही हूँ शेड, ये देख सकते हैं। ब्लेंडिंग बहुत अच्छे से करूँगी, जितना अच्छा ब्लेंड होगा उतना अच्छा आपका आई मेकअप होता है। ये देखें कितने अच्छे से मैंने गोल्डन कलर इनके ब्लेंड कर दिया है। मैं ब्लैक लूँगी, ब्लैक से मैं आउटर कॉर्नर्स बनाऊँगी, बिल्कुल कॉर्नर्स पे मैं ब्लैक लगा रही हूँ इनके, ये देखें, और थोड़ा सा ऊपर लेके मैं ब्लेंड कर दूँगी। बिल्कुल कॉर्नर पे ब्लैक शेड देना है और थोड़ा सा ऊपर ले जाएंगे उसको। अब मैं थोड़ा सा वाइट इनकी आइज़ के बिल्कुल कॉर्नर पर लगाऊँगी ताकि जब ये आइज़ ओपन करें तो एक अच्छा सा लुक आए। ये देख सकते हैं आप आई मेकअप कंप्लीट है हमारा। यहाँ मैं बॉब का मस्कारा ले रही हूँ, थे
एक मस्कारा है बॉब का, ये मैं अप्लाई करूँगी। आईलैशेस मैं अभी अप्लाई नहीं कर रही, जस्ट सिंपल पार्टी मेकअप कर रही हूँ, तो उसमें आईलैशेस मैं इतनी अप्लाई नहीं करूँगी। जस्ट आपको लुक दिखा रही हूँ, ये देखिए। यहाँ मैं सिल्वर ग्लिटर आईलाइनर यूज़ कर रही हूँ, क्रिस्टीन कंपनी, सॉरी रिवाज कंपनी का है, किस्टन। ये देखिए सिल्वर आईलाइनर मैं इनके अप्लाई करूँगी ऊपर, आईज़ के बिल्कुल ऊपर सिल्वर आईलाइनर अप्लाई कर रही हूँ। ब्लैक आईलाइनर मैं यूज़ नहीं करती। अब ये रेड लिपस्टिक ले रही हूँ मैं, स्विस मिस की रेड लिपस्टिक है, ये मैं इनके अप्लाई करूँगी। मेट में है ये स्विस मिस की रेड लिपस्टिक, मैं इनको रेड लिपस्टिक अप्लाई कर रही हूँ। ये देखिए बिल्कुल इनके लिप्स पर बनाऊँगी, लिपस्टिक लगा रही हूँ। ये देखें इनका फाइनल लुक, आईज बंद कीजिए, ये देखें कितना ज़बरदस्त इनका लुक आया है। अब मैं इनके हेयर्स को फिनिशिंग दूंगी। सबसे पहले मैं इनके हेयर्स पे कॉम कर रही हूँ अच्छे से, ये देखें सेंटर कॉर्नर निकाल लिया है मैंने, और इनके हेयर्स को कॉम कर रही हूँ। अब मैं हेयर स्ट्रेटनर की मदद से इनके हेयर्स को स्ट्रेट करूँगी, क्योंकि बहुत बाउंसी हेयर्स हैं, बहुत फ्रेश हेयर्स हैं इनके। सबसे पहले मैं इनके हेयर स्ट्रेटनर से इनके हेयर्स को स्ट्रेट कर रही हूँ, ये देखिए बिल्कुल स्ट्रेट कर लूँगी मैं इनके हेयर्स को, और नीचे लाइट लाइट बाउंसी कर्ल्स दूँगी। ये देखिए टर्न करके हेयर स्ट्रेटनर को लाइट बाउंसी कर्ल्स दे रही हूँ मैं इनको नीचे से। की मदद से मैं इनके बालों को बाउंसी कर्ल्स दे रही हूँ, ये देखिए अच्छे से इनके बाल हेयर स्ट्रेट कर लिए हैं मैंने, और लाइट लाइट बाउंसी कर्ल्स दे दिया है, क्योंकि इनके हेयर्स बहुत ख़राब हो रहे थे मेकअप से पहले, तो मैंने अच्छे से इनको हेयर स्ट्रेट कर दिए हैं। ये देखें थोड़े नीचे नीचे से मैंने बाउंसी कर्ल्स दिए हैं इनको, ये देखें इनका फाइनल लुक कितनी चेंज आ गया है, जो इनकी मेकअप से पहले की पिक्चर है वो देखें, और अब देखें। मेड्स का बहुत दिल चाहता है कि भाई हम तैयार हो के कैसे लगते हैं और हम किस तरह से लगेंगे, तो आज मैंने इनका मेकओवर किया है मेकअप से पहले और मेकअप के बाद, और ये बहुत खुश हैं ये देखें